Guys, welcome to Gate Corner. So this is the third video of Static GK series, and it is based on the important dance forms of Indian states. So we will cover this topic in two parts. So this is the first part, okay, in which I will cover 10 states, which is the most important one. Alright, so let's start the topic. So first you can see the Indian map. So in this video, we will discuss some of the states like Arunachal Pradesh, Assam, Nagaland, Mizoram, Tripura, Meghalaya, and the Himachal Pradesh and all. Okay, so let's move further. सबसे पहली जो स्टेट है वो है हमारी मेघालय. तो अगर हम बात करें मेघालय स्टेट की, जो कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो बारिश सबसे ज़्यादा मेघालय में होती है. और अगर हम बात करें तो दो जो डांस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं मेघालय में. एक तो है लाहो और दूसरा है आपका नोंगक्रेम, जिसमें कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन है वो है आपका लाहो. मैंने यहाँ पर एक पिक्चर आपको दिखाने की कोशिश करी है, अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो. अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये आपको एक हिली टाइप का लग रहा है, ये एक आपको हिल स्टेशन टाइप का लग रहा है. और हमारा जो मेघालय है वो अगर आप देखेंगे तो ये आपका ये रहा, ये है आपका हिमाचल, माफ़ कीजिएगा मेघालय. एंड नाउ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट की, जो कि है आपकी अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक तो बारदोछम, जो कि हमारा बेस्ड है जो अच्छाई और बुराई के कोई जो दर्शाती हुई जो स्टोरीज़ हैं, जो हमारी अच्छाई पर बुराई पर अच्छाई की जीत को जो स्टोरीज़ बताती हैं, उस पर बेस्ड होता है ये डांस, जिसे हम बोलते हैं बारदोछम. उसके बाद सेकेंड जो है हमारा, वो है हमारा पोपे डांस. पोपे डांस जो है वो हमारा प्ले होता है मोपिन फेस्टिवल के दौरान, और ये सबसे मोस्ट पॉपुलर डांस फॉर्म है अरुणाचल प्रदेश का. आप लोग देखेंगे, मैं अभी आपको इसकी इमेज भी एक दिखाऊंगा, छम डांस जिसे हम बोलते हैं. जो मोपिन फेस्टिवल है हमारा, ये बेसिकली एक एग्रीकल्चरल फेस्टिवल होता है, और ऐसा बिलीव किया जाता है कि ये जो है ये आपके घर में खुशहाली लाता है, समृद्धि लेके आता है पूरी कम्युनिटी, जितने भी हाउस होल्ड्स हैं उन सब के लिए, ऐसा माना जाता है. बात करते हैं हम लोग छम डांस. अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक इमेज है यहाँ पे, अगर आप इस इमेज को देख के जज करें तो ये क्या है कि ये जैसा मुझे देख पा रहा हूँ मैं, कि इस आदमी ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं, और इसके एक चेहरे पे एक मास्क टाइप का लगा हुआ है, और इसके सर पे एक मुकुट टाइप का है. तो हम ये चीज़ें गेस कर सकते हैं, ये है छम डांस. मैंने आपको सारी डांस की फ़ोटोज़ इसलिए नहीं दी हुए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है. अगर मैं आपको सारी फ़ोटोज़ यहाँ पर दिखा दूँगा तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा. जब आप एग्ज़ाम टाइम में जब आपको ये क्वेश्चन दिखेंगे तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि मैंने कौन सा डांस फॉर्म किस टाइम पर और कैसे देखा था, ये आपको कन्फ्यूजन होगा. इसीलिए मैंने यहाँ पर सारे डांस फॉर्म्स के जो पिक्चर्स हैं वो मैंने नहीं दिखाया है, लेकिन यस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म है वो मैंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश ज़रूर की है. बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट की, जो कि है हमारा असम. असम में चार डांस हैं बेसिकली, एक है बिहू डांस, एक है अली ई लिगैंग, और एक है आपका बागुरम्बा, और एक है आपका झूमर डांस. अगर प्रोनंसिएशन में कोई मिस्टेक हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा. तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो डांस है असम का वो है बिहू डांस. मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये है बिहू डांस. आप यहाँ पे भी देख रहे हैं हिल स्टेशन टाइप का आपको फील आ रहा होगा. तो और अगर हम बात करें असम की, तो असम में तीन और डांस आते हैं इसके अलावा, लेकिन वो इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. बट येस, आप लोग एक बार रीड आउट करके चले जाइएगा, जिससे आप लोगों को वहाँ पर एक एटलीस्ट आपको अगर ऑप्शंस आएँ तो आप एलिमिनेट जरूर कर पाएंगे इन ऑप्शंस की बेसिस पे. तो बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट की, जो कि है मणिपुर. मणिपुर में जो एक इम्पॉर्टेंट डांस है वो है थंगता, जो कि एक मार्शल आर्ट डांस है. और आपको ये चीज़ याद रखनी होगी, एम से मणिपुर और मार्शल, आप इस तरीके से याद रख सकते हैं. और इसके अलावा इसमें एक आपका चार इसमें डांस और भी हैं, एक है आपका नूपाला, एक है आपका पुंगचोलम, एक है आपका खम्बा थोईबी, एक है आपका ढोल छोलम. ठीक है गाइस, तो ये चार हैं, और ढोल छोलम जो है वो होली के दौरान परफॉर्म किया जाता है. ठीक है, तो ये हो गया आपका नेक्स्ट स्टेट की तरफ, जो कि है आपका नागालैंड. अगर मैं नागालैंड की बात करूँ तो यहाँ पर दो डांस फॉर्म है, एक है आपका चांगलो और सुआलुआ, और एक है आपका जिलियांग. ये दो डांस फॉर्म है, आप इसको याद कर लीजिएगा.
और जो इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म्स हैं वो उसकी पिक्चर्स में आपको पहले ही दिखा चुका हूँ, जैसे आपका बिहू डांस हो गया, और इसके अलावा आपका छम डांस हो गया, आपका थंगता डांस हो गया मणिपुर का। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे अब क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे कि ये पूछ लिया जाता है कि मोपिन फेस्टिवल जो है वो किससे संबंधित है, कौन से स्टेट से संबंधित है। चार ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश दे दिया जाएगा आपको, असम दे दिया जाएगा, मिजोरम दे दिया जाएगा, त्रिपुरा दे दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, चाहे वो SSC का एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जिसमें स्टैटिक जीके आती है। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट की, जो कि है आपका मिज़ोरम। अगर मैं बात करूँ मिज़ोरम की, मिज़ोरम में यहाँ पे चार डांस हैं जो मेनली हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं। पहला है आपका चिरौ डांस, जिसको हम लोग बम्बू डांस भी बोलते हैं, ये बम्बू डांस के नाम से ही एक्चुअली में फेमस है और हमें ऐसे ही इसको याद रखना है। सेकंड जो है वो है आपका खोलम, एक है आपका जंग तालम और एक है आपका सरलम कई। ये चार डांस हैं, लेकिन आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका फर्स्ट वाला ही है, जिसको आपको याद रखना ही रखना है। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेट की, जो कि है हमारा सिक्किम। सिक्किम में हमारे बेसिकली तीन डांस फॉर्म हैं जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट है आपका सिंगी छम और स्नो लाइन। अब आप देख रहे होंगे छम, अब छम यहाँ पे भी है और छम हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी देखा था। तो बेसिकली हमें ये चीज़ समझ आ रही है, जो हिली एरियाज़ है ना वहाँ पर छम डांस होता होगा, तो यहाँ से हम लोग ये आइडिया लगा सकते हैं। तो इसमें तीन हो गए, सिंगी छम जिसे हम स्नो लाइन भी कहते हैं, और यक छम और मास्क डांस। ठीक है गाइस, नेक्स्ट स्टेट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो कि है त्रिपुरा। त्रिपुरा में आपके चार डांस फॉर्म हैं, एक है आपका होजागिरी, एक है आपका लेबंग बोमानी, एक है आपका गरिया डांस और एक है आपका बिजू डांस। ठीक है, आप लोग बहुत सारे लोग इसकी ट्रिक भी बताते हैं, लेकिन मैं ट्रिक पे ज़्यादा जाता नहीं हूँ, क्योंकि जैसे हम लोग बहुत सारे कंट्रीज़ कैपिटल और भी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हो गए इतने सारे, वो हम लोग सब याद करते ही आए हैं। तो मेरे ख्याल से ये कुछ 40-50 डांस फॉर्म अगर हम याद कर लेंगे तो कोई इशू नहीं होगा। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट हमारे नाम होते हैं जो कि हम लोग इजीली याद रख लेते हैं, वो इसलिए रख लेते हैं क्योंकि हम लोग बार बार उनको रिकॉल करते हैं। जैसे आपका एक हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल था, तो ये नाम काफ़ी टिपिकल था, लेकिन हम लोगों ने बार बार उस चीज़ को पढ़ा है, तो अब हमें उसको नाम को लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसी अकॉर्डिंग हम लोग ये डांस फॉर्म के नाम भी आसानी से याद कर लेंगे, बस हम लोगों को एक बार गो थ्रू होना है ये सारी PDF, जो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा टेलीग्राम ग्रुप पर। अगर आप ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट की, जो कि है हमारा हरियाणा। हरियाणा में हमारे पांच डांस मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पहला है आपका धमाल डांस, दूसरा है आपका लू डांस, तीसरा है आपका गुग्गा डांस, फोर्थ है आपका मंजीरा डांस और फिफ्थ है आपका खोरिया डांस। ठीक है गाइस, तो ये हरियाणा की बात हो गई। ठीक है, और जो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा उसमें मैं कुछ और स्टेट्स के बारे में आपको बताऊंगा, जो भी इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं वो सारे के सारे मैं कवर करूंगा आपके सेकंड वाले पार्ट में। ठीक है गाइस, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड आवर यूट्यूब चैनल देन प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड। जब भी हमारा नया वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा उसका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।